हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे महर्षि अरविंद घोष के जीवन परिचय के बारे में। इनका हमारे फिफ्थ यूनिट में चैप्टर है अरविंद घोष का शैक्षिक योगदान, तो उसके अंतर्गत हम पहले महर्षि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं महर्षि के जन्म। तो श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 ईसा में हुआ, ठीक है। 1872 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कलकत्ता था। श्री अरविंद घोष के पिता का नाम श्री कृष्णधन घोष था। माता का नाम श्रीमती स्वर्णलता देवी था। तो ये इनके पिता जो थे वह कलकत्ता के प्रसिद्ध सिविल सर्जन थे। उन्होंने इंग्लैंड से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। इस कारण वह ज़्यादातर पाश्चात्य शिक्षा के को ज़्यादा महत्व देते थे, विलायती संस्कृति को अधिक महत्व देते थे। इसी संबंध में उन्होंने श्री अरविंद को 7 वर्ष की उम्र में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया था, ठीक है। उनका प्रयत्न यह था कि उनके तीनों बच्चों का लालन पालन विलायती संस्कृति में ही हो, क्योंकि वो वहीं को ज़्यादा महत्व देते थे। पुरातन संस्कृति के आलोचक थे, पुरातन संस्कृति की आलोचना करते थे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो कहाँ हुई? दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए लंदन के सेंट पॉल स्कूल में इनको दाखिला दिलाया गया। इसके बाद 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में इन्हें प्रवेश मिल गया। वहीं से इन्होंने 1890 में ही भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा तो इन्होंने उत्तीर्ण कर ली, किंतु अरविंद अंग्रेजी सरकार की दास्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से जो घुड़सवारी की परीक्षा होती थी उसमें वह फेल हो गए। और इसके बाद वह वापस भारत चले आए, ठीक है। और इनके पिता जो थे वह भी पहले क्या थे, भारतीय प्रभाव के आलोचक थे, किंतु बाद में उनका दृष्टिकोण बदल गया और उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र भेजा तथा पत्र में बंगाल नामक अंग्रेजी अखबार के विवरणों में पुत्र के पास उनको भेजा। और उन्होंने उसमें क्या कहा, अरविंद का ध्यान जो था वह राजनीति की ओर आकृष्ट कर दिया। तो जो अरविंद थे वे राजनीति की ओर उनका रुझान बढ़ गया, और उसी के चलते उन्होंने जब 1893 में स्वदेश लौटे तो बड़ौदा के राजकीय विद्यालय में उपप्रधानाचार्य बन गए और वहाँ इन्होंने 13 वर्ष तक सेवा दी। इसके बाद 1893 से 1906 तक संस्कृत, बंगाली साहित्य, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने 1906 से 1910 तक राजनीति में बराबर सक्रिय भागीदारी निभाई। इसी के साथ मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था कि एक बम कांड हुआ था। हाँ, मुजफ्फरपुर में एक बम कांड हुआ था, उसके तहत इनको 4 मई 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया और अलीपुर के सेंट्रल जेल में 1 वर्ष तक ये जेल में कैद रहे, यानी 1 वर्ष तक की इनको कारावास रही। इसके बाद जो देशबंधु चितरंजन दास थे उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर इनकी पैरवी करके इनको जेल से छुड़ा लिया। और जेल से छूटने के बाद जो अरविंद घोष थे वह राजनीति से अलग हो गए। फिर इन्होंने क्या किया कि 1909 में कर्मयोगी नामक
साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किया। यह साप्ताहिक पत्र कर्मयोगी, फिर इसके बाद इन्होंने बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम साप्ताहिक में भी सम्मिलित हुए या, और 1910 में कर्म योगिनी बंद करके श्री अरविंद कलकत्ता को छोड़कर पांडिचेरी में बस गए। यहाँ पर इन्होंने 1914 में आर्य नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया और यह पत्र जो था इनका 1421 में बंद हो गया। 1926 में अरविंद आश्रम की स्थापना हुई, क्योंकि अरविंद जो थे वह सर्वांग योग दर्शन को महत्व देते थे, तो इनके साथ जब यह 21 पत्र बंद हो गया, इसके बाद यह आश्रम में रहने लगे और वहां पर इनके साथ कई और साधक रहने आ गए। उनके साथ रहते रहते यह जो आश्रम था उसकी स्थापना हो गई और यहाँ पे वह सब लोग जुड़ते चले गए इनके साथ। फिर क्या हुआ, श्री अरविंद ने पांडिचेरी में 40 वर्षों तक सर्वांग योग की साधना की। इनका योग दर्शन सर्वांग योग दर्शन के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने सर्वांग योग साधना की। 5 दिसंबर 1950 को रात्रि में 78 वर्ष की आयु में पांडिचेरी में इन्होंने महासमाधि ले ली, यानी 5 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात 1952 में उनकी शिष्या मीरा अल्फसा ने श्री अरविंद इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। ठीक है, महर्षि ने जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, इसके अलावा फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन तथा अन्य कई यूरोपीय भाषाओं का भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार श्री अरविंद का जीवन राजनीति और सामाजिक में झूलता रहा। अब बात करें श्री अरविंद घोष की प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो श्री अरविंद घोष की प्रमुख रचनाएं हैं द लाइट डिवाइन। ये जो लाइट डिवाइन पुस्तक है ये आपसे बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, इसके बारे में मैचिंग में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसेस ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योग, द सोशल साइकिल। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन के बारे में भी पुस्तक लिखी जिसमें नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ऑफ एजुकेशन प्रमुख पुस्तकें इनकी रही हैं। तो इस प्रकार आज हमने महर्षि के जीवन परिचय के बारे में जाना, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इनका जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे।